असलाम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के थर्टी लेक्चर में हो रही है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल बजटिंग के कैश फ्लोस के बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू की थी एंड अभी आज के लेक्चर में हम उसी डिस्कशन को जो है वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे कि जब एक फाइनेंशियल मैनेजर ने इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल है उस सिलसिले में हमने ये कहा था कि वो जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उनके क्या क्राइटेरिया है और किस तरह हम उसको कैलकुलेट करके एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और उस सारी कैलकुलेशन में जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे थे बिहाइंड सीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी दैट वाज़ रिलेटेड टू कैश फ्लो इसलिए पिछले लेक्चर में हमने उन कैश फ्लोज के बारे में डिटेल डिस्कशन शुरू की तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमने जो डिस्कशन पिछले लेक्चर में की थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि प्रोजेक्ट के जो है वो कैश फ्लोज वो कौन से होते हैं जिनको हमने डिस्काउंट करना है इन केस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन या आई आर आर कैलकुलेशन के लिए भी जिनकी एनपीवी को हमने जीरो के बराबर करना है ये जिनकी बेसिस पे हमने पे बैक पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है तो वो सारे के सारे कैश फ्लोज जो हैं उनमें चंद इश्यूज जो हैं वो हमें बहुत गौर से देखने पड़ते हैं सबसे पहला इशू या सबसे पहली टॉपिक या कंसीडरेशन जो है वो ये है कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो रेलेवेंट कैश फ्लो होने चाहिए अब रेलेवेंट कैश फ्लो कौन से हैं हम नॉर्मली ये कहते हैं कि एक बिजनेस जब एक लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अंडरटेक करना चाहती है तो उसको ये देखना चाहिए कि फम के कैश फ्लोज विदाउट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड फम्स के कैश फ्लो विद द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दोनों का डिफरेंस जो है रिफ्लेक्ट दिल कैश फ्लोज और इन कैश फ्लोज को हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज भी कहते हैं तो जब हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की बात करते हैं तो इस सिलसिले में भी हमें चंद एक बातों को बहुत गौर से देखना पड़ता है और वो कंसिड्रेशन या बातें जो है हमारी वो कौन सी है सबसे पहले इश्यू आता है सन कॉस्ट का तो संस्ट जो है वो ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हम दफा इनकर करने के बाद दोबारा रिकुप नहीं कर सकते वेदर वी एक्सेप्ट और वी रिजेक्ट दी है उनको हमने दोबारा कहीं से रिकवर नहीं कर सकना इस वजह से हमारे जो संघ कॉस्ट है दुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द रेलिवेंट कैश फ्लो दश्यू रिलेट्स टू दर्चुनिटी कॉस्ट वट बेसिकली इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैल्यू ऑफ दल्टर गिवन अप इन ऑर्डर टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इसलिए जब हम फॉर्म के रेलिवेंट या इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की बात करते हैं वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दुनिटी कॉस्ट उसके बाद हम मजीद जब आगे डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं तो वी टॉक अबाउट दी साइड इफेक्ट्स। अब अगर एक फर्म जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म जो है एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो नई प्रोडक्ट के लॉन्च करने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है उसकी सेल्स डिक्लाइन कर दे तो इसकी वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कैश फ्लो ऑफ द इसलिए हमें उन बैड इफेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए और अगर किसी नई प्रोजेक्ट की लॉन्च के साथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन जो है उनकी सेल्स भी बढ़ जाती है तो दिस पॉजिटिव इफेक्ट जो है इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड वाइल वी आर डिस्कसिंग दी रेलिवेंट और दी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फिर उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंसिंग कॉस्ट की द इश्यू ऑफ फाइनेंसिंग अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट यानी कि कितना डेट होना चाहिए और कितनी इक्विटी होनी चाहिए इसलिए इससे रिलेटेड जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है यानी जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ऑन द लोन टेकन या जो हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं ऑन द सेल ऑफ द शेयर्स, वो दोनों जो है दे डू नॉट बिकम दार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो दे शुड नॉट दी फाइनेंसिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द रेलिवेंट ऑफ द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस एनदर इंपॉर्टेंट इश्यू इज दैट ऑफ capital. कैपिटल जब हम एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं एक तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम फंड्स की कमिटमेंट करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे भी उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वी नीड सर्टन अमाउंट ऑफ कैश वी नीड सर्टन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज एंड देन

फिर उसके बाद अदर इश्यूज लाइक के जब हम कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी शुड नॉट बी कंसिडरिंग द कैश फ्लोज इन एन अकाउंटिंग सेंस रादर वी शुड बी फोकसिंग ऑन द कैश फ्लोज एज इफ वी आर मेकिंग दी आर रिसीविंग दी पेमेंट्स विच मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट दी एक्चुअल cash outflows and the inflows वी आर not टॉकिंग about the cash inflows outflows in an accounting sense and finally what is the role of the taxes how should we be taking into consideration the element of taxes which a government uh, which a firm pays to the government. So the cash flows in a particular project should be net of the taxes paid to the government after tax cash flows. Once we have talked about कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं, उनमें किन किन इश्यूज को हमें खास तौर पर देखना चाहिए तो नेक्स्ट इश्यू वाज़ दैट ऑफ द दफॉर्मा स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स में हमें जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है उनके बारे में एक मेन हेल्प मिल जाती है परफॉर्मा स्टेटमेंट में वी टॉक अबाउट दर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्से बेसिस ऑफ द एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज

जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल में दैट विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ वे जब हम नेटवर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो नेटवर्किंग कैपिटल जो है लोन यानी कि इनिशियली जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो वी मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट इन आर नेटवर्किंग कैपिटल जो भी रिक्वायरमेंट है लेकिन वेन बी क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर देते हैं जब हम प्रोजेक्ट को

We prepare the estimated or the projected investments of a particular project. In this series, we have in the lecture example and we have some calculations. How, with the given information, we can calculate the relevant cash flows. How can we prepare the pro forma financial statements and, of course, the projected capital requirements? And on that basis. हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोस कैलकुलेट किए थे एंड देन टोटल कैश फ्लोस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कैलकुलेट किए थे तो आज हम उसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे और हम उन कैश फ्लोस की बेसिस पे जो हमने टेक्निक्स पिछले लेक्चर्स में कवर की थी जो थी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे पीरियड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उनको कैलकुलेट करके फाइनली क्लोज डाउन करेंगे अपने इस एग्जाम्पल को बाई सी शुड गो है

एन उसके बाद डिप्रीसिएशन विच बेसिकली प्लेज इम्पोर्टेंट रोल वाइल वी आर कैल्कुलेटिंग प्रोजेक्ट तो हम डेप्रीसिएशन को देखेंगे इट प्रोवाइड अस विद टैक्स शील और वो टैक्स शील जो है उसको हम किस तरह जो है कंसीडर करते हैं वाइल्ड वी आर कैलकुलेटिंग द रेलेवेंट कैश फॉरा प्रोजेक्ट तो हम अपना शुरू करते हैं लेक्चर बाय स्टार्टिंग विदॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने एक एग्जांपल के लिए कैलकुलेट की थी और उसके बाद हम वही जो हमारे वेरियस मैथड है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के वो इस एग्जाम्पल पे लगाएंगे अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम री कर लें Suppose we want to prepare a set of performer financial statements for a project for ND Enterprise. In order to do so, we must have some background information. In this case, we assume that sales of 10,000 units per unit at the rate of five dollar per unit. Variable costs are three dollars per unit, and the fixed costs are five thousand per year. The project has no salvage value. And the project life is three years. Furthermore, project cost is twenty one thousand, depreciation is seven thousand per year, investment in networking capital is ten thousand, and the firm's required return is twenty percent. The tax rate is thirty four percent. Now, we will first of all prepare the pro forma financial statement. Capital requirements, and then the cash flows, and finally we will evaluate the project whether the firm should go ahead with this project or not. The performance statement, which we have prepared in the lecture, we will quickly go through. Karenge. So we have sales ten thousand per unit per year at a rate of five dollar per unit. So total are fifty thousand. Variable cost three dollar per unit thirty thousand. Gross profit is 20,000, fixed costs per year 5,000, depreciation is 7,000, earning before interest and taxes is 8,000. And taxes at the rate of 34% is 2720, and the net income calculated is 5280. Projected balance sheet mein, or the capital requirements, we have net working capital jo hai, that is 10,000 per year. And then the net fixed assets 21,000 right now, then 14,000, and then finally 7,000. And the total we have 31,000, 24,000, 17,000, and 10,000. And then we go for the project's cash flow. Project ke cash flow me kahata ki hamare to operating cash flows is one component. Dusra component hamara investment in the networking capital and Tisra component hamara. लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की तो उसमें हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज एट थाउजेंड प्लस डेप्रीसिएशन ऑफ सेवन थाउजेंड एंड टैक्सेज ऑफ माइनस टू थाउजेंड सेवन ट्वेंटी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी ना वी लोकेट दी प्रोजेक्ट रेलिवेंट कैश just have the component hai, operating cash flows changes in the networking capital and the long-term capital expenditure and that we have reflected on this slide the operating cash flow for all the three years 12280 as calculated before changes in the networking capital now since the project requirement is as of today we need to make an investment in the networking capital of 10000 so we have minus 10000 there at the termination of the project, which will be at the end of the third year, we are going to recover that 10,000 investment in networking capital. So, we have plus 10,000 at the end of the third year. The third component is capital spending, and we assume that we have to spend 21,000 on this particular project. So, therefore, as of today, we have to make total investments of 10,000 on networking capital. 21,000 for the capital equipment, so the total is 31,000. So we have the cash flows of minus 31,000 as of today, which in other words is the cost of the project. And this is the benefit of our cash flows, evaluate. And our relevant cash flows for the year number 1, 12,280, year number 2, 12,280, and year number 3, 22,280 now we have to evaluate these cash flows so which of the techniques we are going to use let's start with the net present value up net present value procedure hai as we discussed in the previous lectures cost kya hai or the outflow kya hai that is the expenditure on the capital equipment, which is 21,000, and the changes in the networking capital that again is 10,000. So the total is 31,000. Uske against humari jo cash flows hain for the three years unko humne discount karna hai. And then we need our discount rate. And here we have assumed we have a discount rate of 20%. So we have minus 31,000 plus 12,280 for the first year discounted back by one time period. 1.20 to the power 1, then 12,280 discounted by two time periods, 1.20 to the power 2, plus 22,280 for the third year, 1.20 to the power 3. So, the total we have 655. That when we take the total investment of minus 31,000 and then we compare it with the discounted cash inflows, the net difference is net present value which is positive and we have reflected that as 655 now if we try to calculate the internal rate of return the calculation for the internal rate of return is k we are trying to find out a discount rate which will make the net present value of this particular project equal to 0 and that we have to do on hit and trial basis but there is one starting point. okay, whenever we have a project with a positive npv, as is the case in this particular example, so we need to start with a higher discount rate. Now we have positive npvi here, that we have calculated using a discount rate of 20%. isliham 20% a higher rate? quadra 20 percent so, exactly speaking,

And then still we have some left over and that we are going to cover up from the third year. As a ratio, we have 0.3 years to recover the remaining balance after year number 1 and year number 2. So the total 31,000 is recovered in a time period of 2.3 years. Therefore, our payback period is 2.3 years. Average accounting return. अब एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न में वी डू हैव अ फॉर्मूला जिसमें हम कहते हैं कि दिस इज एन अकाउंटिंग मैर दर इज अर्निंग नेट अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड देन डिवाइडेड बाय द एवरेज बुक वैल्यू सो द नेट अर्निंग इफ यू टेक फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट दैट इज इक्वल टू फाइव

So, here we have 10,000 networking capital and 21,000 for time period 0, which is 31,000. Year number 2, we have 10,000 networking capital and 14,000 for net fixed asset, 24,000 for this first year. Then 17,000 at the end of second year and 10,000 at the end of third year. So, while we are calculating our average book value, we take all of these four numbers 31,000 plus 24,000 plus 17,000 plus 10,000 divided by 4. So that gives us average accounting return which is equal to 25.76%. Now the next question is whether the firm should go ahead with this particular project or not. What do you think? As per our Calculations. If you look at the various techniques, our NPV is positive. Our IRR is higher than 20%, which is the required rate of return. Our average accounting return is also 26. Point some percentage. Our payback period is 2.3. So, as per these calculations, the firm should go ahead and undertake this particular project. Then we talk about another approach. And that approach basically is the tax shield approach. This approach we project ke relevant cash flows ko calculate karne ke liye. Now this approach is very simple and straightforward. Isko hum ye bhi sakte ke this is a shortcut to the preparation of all of those uh, information performance statement and then later on the capital requirement. And finally, talking about the operating cash flows, changes in the networking capital, and the fixed investments. So in this relation, we formula. Hai? Simple, straightforward formula. Hai. Operating cash flows are equal to sales minus cost multiplied by one minus t. Now the t here is the tax rate plus depreciation into the t, which is the tax rate. अब हम ये देखते हैं कि हमारी एग्जाम्पल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वे नीड इज जो है वो हम लेंगे अपनी प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट में तो प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट की जो पहली एंट्री है दैट इज गिविंग अ सेल्स ऑफ फिफ्टी थाउजेंड एंड सेल्स माइनस वी हैव दॉ तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं इट हैज टू कॉम्पोनेंट एक कंपोनेंट है हमारा फिक्स कॉस्ट का और दूसरा कंपोनेंट है हमारा वेरिएबल कॉस्ट का तो दोनों को जब हम अप करते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है दे आर इक्वल टू थर्टी थाउजेंड और हमारी फिक्स कॉस्ट जो है दे आर इक्वल टू फाइव थाउजेंड ये सारी इंफॉर्मेशन वी आर टेकिंग फ्रॉम आर परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट एज पर दिटेल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है तो नेट वट वी हैव हेयर इज के फिफ्टी माइनस 35,000 multiplied by 1 minus the tax rate, which is 1 minus 0 0.34 is equal to 0 0.66. Plus, we have the depreciation, and the depreciation was given as 7,000. The depreciation multiplied by the tax rate, which is 34% or 0 0.34. So, in total, what we have here is 9,900 plus 2,380, which is equal to 12,280. अब ये हमारा ट्वेल्व थाउजेंड टू एटी जो है एग्जैक्टली exactly बराबर है हमारी उस कैलकुलेशन की जो हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल एंड देन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल जो है उसके थ्रू कैलकुलेट की थी तो दिस इज बेसिकली इज एन आल्टरनेटिव कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब इस कैलकुलेशन के बेसिकली वी हैव टू कॉम्पोनेंट एक कॉम्पोनेंट जो है दैट इज

अब ये तो थी हमारी अल्टरनेटिव अप्रोच अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी हमारे पास दो स्ट्रीम्स हैं है, या दो चॉइसेस हैं या दो अल्टरनेटिव हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कॉमनली यूज वन जो है दैट इज दैट वी प्रपेयर दर्फॉर्मर इनकम स्टेटमेंट वी लुक एट दैपिटल प्रोजेक्शन फिक्सड एंड द लॉन्ग टर्म एंड देन फाइनली

टैक्स रेट तो पहला कॉम्पोनेंट जो है दिस रिफ्लेक्ट ऑल दोन और जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो हमारा करता है कि जो है हमारी वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और उस पर जो है हमें टैक्स की जो है वो बेनिफिट मिलता है आफ्टर दिस कैल्कुलेशन गो बैक टू दर्किंग कैपिटल एंड क्लोजर लॉक ऑन द नेटवर्किंग कैपिटल अभी तक जो हम कैलकुलेशन करते आए हैं उसमें हमने ये एज्यूम किया है कि हमारी सारी सेल्स जो है वो कैश सेल्स है क्योंकि जब हमने सेल्स की फिगर ली तो हमने उसको कैश इन फ्लो की फिगर के बराबर समझा बट इन रियल लाइफ हमारी सारी सेल्स जो है वो कैश सेल्स नहीं होती वी डू सेल ऑन क्रेडिट तो इसलिए पॉसिबिलिटी हमारी जो कैश इन फ्लो है या अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई सेल्स हमने की है क्रेडिट सेल्स उनकी अगर हमें रिसीट होती है तो दैट रिफ्लेक्स एंड इनक्रीज इन देश फ्लो देखिये क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ये रेलेवेंट कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं तो वी विल फोकस ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक और दूसरा इश्यू आता है कैश आउटफ्लोज का कि कैश आउटफ्लोज में भी हम ये कहते हैं कि जितने हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे के सारे जो हैं दे रिफ्लेक्ट कैश आउटफ्लो बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ दॉसिबिलिटी कि हम जो है परचेज करें ऑन क्रेडिट व्हेन वी मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट वी डू नॉट मेक कैश पेमेंट्स देयरफॉर इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो व्हाट इट मीन्स हेयर इज कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल के होने की वजह से हमारे कैश इनफ्लोस कम या ज्यादा हो सकते हैं कम या ज्यादा इन कंपैरिजन टू दूसरी तरफ हमारे क्रेडिट परचेजेस करने की वजह से अकाउंट्स पेबल होने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो भी कम या ज्यादा हो सकती है इन कंपेरिजन टू कैश आउटफ्लो तो इसी टॉपिक को अब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं इन आर्डर टू क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और ये इशू जो है द डिफरेंस बिट्वीन द सेल्स एंड द कैश इनफ्लो

कि सारी सेल्स कैश इनफ्लो है एंड सारी कैश कॉस्ट जो है वो कैश आउटफ्लो है इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं एंड हेयर वी से सपोज वी हैड इनकम स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेल्स आर इक्वल टू फाइव हंड्रेड डॉलर कॉस्ट आर थ्री हंड्रेड एंड टेन डॉलर देयर फॉर आर नेट इनकम इज इक्वल टू हंड्रेड एंड नाइनटी वी वॉन्ट टू कीप दिस एग्जाम्पल वेरी सिंपल बिकॉज आर फोकस इज ओनली

नेटवर्किंग कैपिटल आर अकाउंट्स रिसीवेबल एंडबल इसके साथ साथ अब हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑन रिसीवेबल एज वेल एज ऑन दी अकाउंट्स पेएबल एंड रिफ्लेक्टेड ऑन दिसर बिगनिंग ऑफ दर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है ईयर वी हैव द रिसवेबल्स Worth 910, which means that during the year our receivables have gone up by an amount of $30. So we have recorded the change and increase is a positive plus 30. Accounts payable. Beginning of the year, we have the accounts payable worth 550. End of the year, accounts payable are 605, which means during the year, our accounts payables have increased by 55. So we have plus 55. Overall, our networking capital. The networking capital has only two components by assumption. We assume that our working capital of receivables or payables. Bhi hai. Hai. We do not have any cash, change in inventory, or any other element in current assets or the current liabilities. Therefore, हमारा नेटवर्किंग कैपिटल जो है कन्वेंशनली हम ये कहते हैं कि हमारा नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस दी करंट लाइबिलिटीज बट हमारे इसमें माइनस दी पेबल्स देयर बिगनिंग ऑफ दर हमारे पास नेटवर्किंग कैपिटल इज एट एटी माइनस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एंड ऑफ दर में हमारे पास अकाउंट्स Receivable 910 minus accounts payable 605 is equal to 305. Therefore, net working capital, looking at the changes, 330 say kam ho ke, 305 ho kya. So, the change in the net working capital is a negative number which is minus 25. Yeh dusri surat hai hal we can also calculate the change in the net working capital by looking at the change column. Receivables are current assets and the payables are the current liabilities. So, we have 30 minus 55 that gives us minus 25. Uh, based on this information, let us calculate the operating cash flows. So, the operating cash flow in this example is the same as earning before interest and taxes as there are no taxes or depreciation. द रेलिवेंट कैश फ्लो का पहला कॉम्पोनेट क्या है ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इन आर एग्जाम्पल दैट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस वी डू नॉट है डिक्लाइन बाय ट्वेंटी फाइव डॉलर ड्यूरिंग दर देर वॉज नो कैपिटल स्पेंडिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिक्युलर ईयर Therefore, because our component was capital spending, का. by assumption we said that there will not be any capital spending during this particular year, so that is equal to zero. Now we the overall operating cash flows. So operating cash flows, which we have earning before interest and taxes net, and then net working capital has declined by 25, and zero for the capital spending. Project projectally cash flows you hand they are equal to total cash flow is equal to operating cash flow, minus change in networking capital minus capital spending, so we have one ninety minus minus twenty five and minus zero and that is equal to two hundred and fifteen. Now we need to know what were cash revenues for the year and what were the cash costs हम देख रहे हैं ओवरऑल रेवन्यूज एंड कॉस्ट, उनको हम रिलेट करना चाह रहे हैं विद फ्लोज कैश फ्लोज अभी हमने अपने कन्वेंशनल तरीके से कैलकुलेट किए और उसमें हमने नेटवर्किंग कैपिटल की चेंज को इनकॉर्पोरेट किया अब हम दूसरी साइड से अपने कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एंड फॉर दैट वी नीड टू नो कि हमारी रेवन्यूज और कॉस्ट क्या थी और कैश इनफ्लोज एंड दउटफ्लोज क्या थे

Cash sales, jo hai, they are not exactly equal to 500 because our receivables, jo hai, they are reflecting the credit sales. So, our credit sales are 30, so net our cash sales hai, they are 500 minus 30, which is 470. Then we look at the cost. Our total cost is 310 on our income statement, but our accounts payable, they also increased by 55 during the year. कैश कॉस्ट आर इक्वल टू हाउ मच थ्री हंड्रेड एंड माइनस फिफ्टी फाइव इक्वल टू टू क्योंकि हमने टोटल तो कॉस्ट लिख दी 310 की लेकिन उनमें से कैश पेमेंट कितने की, की है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट इंक्रीज इन दीऊबल तो हमारे अकाउंट्स पे जो है वो बढ़ गए 55 से तो वो हमने गेट टू बी पेड है कैश आउटफ्लो नहीं हुआ इसलिए हमारी जो नेट होगी दैट विल बी 310 हंड्रेड माइनस फिफ्टी ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अगर अब हम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड रिलेटेड कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना चाहें सो दैट वी हैव डन हैस कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड सेवनटी माइनस टू फिफ्टी फाइव विच इज इक्वल टू टू फिफ्टी and that exactly is matching with our previous calculation the cash flows are equal to cash inflow minus cash outflow so 500 hamari sales minus 30 receivables se minus cash outflow 310 hamari cost minus 55 increase in accounts payable that is equal to 215 and this is exactly equal to the operating cash flow minus the change in networking capital. Hamari operating cash flows we calculated as one hundred and ninety minus our networking capital decline kurgy minus twenty five say, so we have two hundred and fifty. So whether we use the direct approach or just looking at the cost and the revenue and then adjusting the cost and the revenue with the receivables and the payables. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनऑर्डर टू क्लैरिफाई दब इस एग्जाम्पल में अगेन वी विल ट्राई टू कीप द एग्जाम्पल सिंपल क्योंकि बेसिक फोकस हमारा जो है दैट विल रिमेन ऑन के नेटवर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट अगर हम डाल देते हैं इन द कैल्कुलेशन ऑफ द रेलिवेंट कैश फ्लो That is exactly equal to agar cost and revenue ko adjust directly there and then with the account receivables and the accounts payable. So here in this example we are saying for the year just completed. For the pencil company sales were 998 and the cost were 734. Following are the beginning and the ending balance sheets. Pichli example me, हमने सिर्फ नेटवर्किंग कैपिटल में दो एलिमेंट लिए थे रिसीवेबल्स के और पेबल्स के अब इस एग्जांपल में हमने करंट एसिड साइड पे एक और आइटम डाल दिया है एंड दट इज इन्वेंटरी तो इसमें हमारे पास बिगनिंग जो है रिसीवेबल्स 100 एंड दर हंड्रेड एंड टेन विच मीन्स के हमारे रिसीवेबल्स जो है बिगनिंग में 100 है एंड पे 80 है सो देर इज अ डिक्लाइन ऑफ 20 इन इन्वेंटरी अकाउंट्स पे एबल बिगनिंग में 100 है एंड एंड पे 70 है सो देर इज अ डिक्रीज इन अकाउंट्स पे एबल वर्थ 30 नेट वर्किंग कैपिटल इफ वी ऐड अप रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरी एंड सब्ट्रैक्ट पे फ्रॉम दैट वैल्यू सो दैट गिवज अस नेट वर्किंग कैपिटल सो हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू माइनस 100's accounts payable gives us networking capital of 100 end of the year receivables 110 plus inventory 80 that gives us 190 current assets minus accounts payable current liabilities 70 key so that gives us 120 as the ending balance now when we are looking at the networking capital either we Simply calculate the change in the networking capital and then add into it the operating cash flows and the capital spending that will give us the cash uh, flow relevant to a project or we need to adjust our cost and revenue by the changes in our inventory and that will give us directly the cash inflows and the outflows. So, here in this case our sales were 998. But our receivables, they increased by 10, which means our cash sales are how much? Our cash sales are 998 minus 10, which is equal to 988. On the cost side, our cost was 734, but inventories fell by 20, and our payables, they increased by 30.

744 so our total cash outflow is 744 and when we are talking about the net cash flow which will be the cash inflow minus the cash outflow so we cash inflow we have adjusted by the receivables and cash outflow we adjust cost adjusted by the inventories and the payables so what we have here is 988 minus 744 is equal to 244 अब ये तो था द डिटेल एनालिसिस ऑफ द नेटवर्किंग कैपिटल जिसमें हम ये कह रहे थे कि नेटवर्किंग कैपिटल का रोल जो है इन द कैलकुलेशन ऑफ द रेलिवेंट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं एक और इशू की एंड दैट इशू इज डिप्रीसिएशन डिप्रिसिएशन को हम हमेशा ये कहते हैं कि इट्स ए नॉन कैश एक्सपेंस दी डू नॉट पे

There is one straight line method, जिसमें हम ये करते हैं कि टोटल जितना एक्सपेंडिचर हुआ है इन एक्वाइरिंग अ फिक्स एसेट उसको यूज फुल लाइफ ऑफ दार साल पांच साल जितनी भी है उसमें डिवाइड कर देते हैं एंड वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन एक्सपेंस फॉर ऑल दस दिन यूज लेकिन एक और मैथड है जिसको हम कहते हैं एक्सेलटेड डिप्रिशिएशन मैथड उसमें वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट एंड द मार्केट वैल्यू व्हेन द एसेट हैज वेन इट्स टोटल प्रोजेक्ट विद द उसमें दो तीन स्टेप्स वी फॉलो द फर्स्ट स्टेप इज के हम पहले जो है हर एसेट को उसकी एक क्लास में डिफाइन कर देते हैं और वो क्लासेस है कि हमारे पास थ्री ईयर्स एसेट क्लास है फाइव ईयर्स एसेड क्लास है एंड सेवन ईयर्स एसेट क्लास है So, here we have briefed it out on this particular slide that modified accelerated depreciation method. Mein kya hai. The basic idea is that every asset is assigned to a particular class. The class establishes the asset slice for tax purposes. Then we compute the depreciation for each year by multiplying the cost of the asset by a fixed percentage, the expected salvage value, and the actual

तो पहले टेबल में हमने ये कहा है कि नॉर्मली हमारे थ्री इयर्स की एसेड क्लास में वी टॉक अबाउट द इक्विपमेंट यूज इन रिसर्च फाइव ईयर्स की एसेड क्लास में वी टॉक अबाउट ऑटोस एंड कंप्यूटर्स एंड सेवन ईयर्स की एसेड क्लास में वी टॉक अबाउट मोस्ट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट विच नॉर्मली आर ऑन दी लॉन्ग टर्म बेसिस अब वंस वी हैव डिसाइडेड अबाउट दी हैसेड क्लास देन वी नीड टू लुक एट कि हर साल में कितनी परसेंटेज जो है वो हमने चार्ज करनी है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिक्वा जो थ्री ईयरस तो की एसेट क्लास में फॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं नॉर्मली सिक्स मंथ की नॉम जो है वो यूज करते हैं कि पहले साल में हाफ ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज होती है और आखिरी साल में भी हाफ ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज होती है इसलिए जो हमारे थ्री इयर्स का एसेट क्लास है उसमें डेप्रीसिएशन जो चार्ज होगी देट विल बी फॉर इयर्स। सो दू लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल थ्री इयर्स की एसेट क्लास में हम देखें फॉर दर्स्ट ईयर थर्टी थ्री परसेंट देन फॉर द सेकंड ईयर 44.44 परसेंट एंड थर्ड ईयर 14.82 पॉइंट एट टू एंड दर इज सेवन इसी तरह फाइव ईयर्स में भी

8.93 and then consecutively 8.93 and finally in the 8th year for the six months we have 4.45 percent. So for this if we look at this table then our depreciation rate will gradually decreasing. So let's take an example for the calculation of the depreciation. In this example we are assuming, suppose we have an asset of worth 12,000 डेशन फॉर एन ऑटोमोबिल्वेल्व थाउजेंड अब इस ऑटोमोब की जो एसेट क्लास है उसमें से हम ले लेंगे

So, we look at the total of the last column, which is equal to 12,000, which means at the end of the sixth year, the total asset worth 12,000 will be depreciated, and therefore, the book value of the asset will be 0. So, this basically is the concept of the depreciation how do we calculate it? Then, we can also talk about the relationship with the book value and the market value.

and the ending book value is 9600 for the second year now this ending book value becomes a beginning book value which is 9600 minus the second year depreciation which is 3840 and finally the book value at the end of the second year is 5760 so we keep on doing it but finally what we get is at the end of the sixth year our book value have beginning book value is 691.20 Depreciation is also 691.20, and our ending book value is equal to 0. So, what this reflects here is at the end of the year, what we have is that our book value of the asset is equal to 0. So, this is our treatment of the depreciation. This example we will talk Inshallah in the next lecture. कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दी बुक वैल्यू ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ एसेट और अगर एसेट हम हमारा जो है हायर या लोअर मार्केट वैल्यू पर बिकता है तो इस सिलसिले में डिप्रिसिएशन की वजह से हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो किस तरह चेंज होंगी और टैक्स के चेंज होने की वजह से ऑफकोर्स हमारे कैश फ्लो जो है वो भी अफेक्ट होंगे लेकिन इससे पहले के हम आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करें I would like to go back to revise हमने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किएक्ट कैश फ्लो फॉर उसमें हमने बात की परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट की कैपिटल प्रोजेक्शन की एंड द रेलिट कैश फ्लोज कैल्कुल्स की और वं वी हमने एक एग्जाम्पल पे मुखलिफ क्राइटेरियन लगा के पे बैक पीरियड आई आर आर एन पी वी सारे एन दिन वी उट डिस फिर हमने ये कहा कि हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं हम उनको किसी और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वन मैथड मैथड टैक्सशील मैथड इज एन आल्टरनेटिव टू दिनल मैथड ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलन प्लस आपका कैपिटल स्पेंडिंग एंड प्लस चेंज इन दैटवर्किंग कैपिटल उसके बाद हमने बात की कि कि अगर हम कैपिटल बजटिंग ही के कॉन्टेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसमें चंद एक इश्यूज ऐसे हैं जिनको हमें ज्यादा तवज्जो देनी पड़ती है उसमें एक था नेटवर्किंग कैपिटल का उसमें हमने कहा कि नेटवर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है दैट बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड द कैश आउटफ्लो एंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड द नेट कैश इनफ्लो एंड फाइनली वी हैव स्टार्टेड talking अबाउट द depreciation. तो डिप्रिसिएशन वाला हमारा टॉपिक जो है इन अगले लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि